हमारे साथ है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट। भट्ट जी, आपके नेतृत्व में भाजपा ने उत्तराखंड में अपनी भारी बहुमत हासिल कर सरकार बनाई, किस रूप में देखते हैं? ये उत्तराखंड की जनता का स्नेह, हमारे कार्यकर्ताओं का परिश्रम और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की चारों तरफ उनकी कीर्ति, उन पर लोगों का विश्वास और हमारे अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का संगठनात्मक जो उनका तजुर्बा है, ये सब मिलके काम आए और उससे हमको दो तिहाई बहुमत ही नहीं मिला बल्कि तीन चौथाई बहुमत मिला। ऐसा ऐतिहासिक बहुमत आज तक किसी स्टेट को नहीं मिला है। सर, जैसे ही उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे आए, लगातार विपक्ष ने ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर सवाल खड़े किए। दिल्ली एमसीडी के चुनाव के नतीजे आए, लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि विपक्ष के लोग अपनी खींच मिटाने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। 10 सालों तक कांग्रेस की सत्ता माननीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में देश में रही, ईवीएम सही था। अभी आपको पता है कि पंजाब में कैप्टन साहब अमरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में अभी वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी है, ये साथ ही साथ चुनाव हुए थे हमारे और उनके और उत्तर प्रदेश के, तो ईवीएम सही था। पिछली बार आप पार्टी ने भारी बहुमत से विजय पाई थी दिल्ली में, ईवीएम सही था। बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में इस समय सरकार चल रही है तो ईवीएम सही था। पश्चिम बंगाल में ममता जी के नेतृत्व में सरकार आई तो ईवीएम सही था। यानी कि जहाँ जहाँ पर कांग्रेस या विपक्ष के लोगों की सरकारें ईवीएम से आती हैं वो ईवीएम सही है। और जब भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ इन विपक्ष के लोगों के कारनामों के कारण लगातार आगे बढ़ते जाता है और मोदी जी पर पूरा देश विश्वास करता है तो वो ईवीएम गलत हो जाता है। इतना ही नहीं, फिर भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है ईवीएम में? हमने क्या किया? आप क्या चुनाव आयोग के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, आरोपित कर रहे हैं? इससे तो ये साबित होता है कि जो विपक्ष के लोग हैं उनका विश्वास चुनाव आयोग पर नहीं रहा। सर, यूपी में योगी सरकार, उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार, लेकिन अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से योगी सरकार बड़े फैसले ले रही है, बड़े कार्रवाई कर रही है, क्या लगता है त्रिवेंद्र सरकार थोड़ा पीछे है? कहीं से कहीं तक पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री और यहाँ त्रिवेंद्र सिंह जी हमारे यानी भाजपा के ही मुख्यमंत्री, इसलिए लगातार दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, हम उनके छोटे भाई के रूप में इतने से राज्य हैं, छोटे से राज्य हैं, इसलिए ऐसी कल्पना करना जैसा उत्तर प्रदेश में होता है वैसा उत्तराखंड में हो रहा है या होगा, ये उचित नहीं है। भय और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात उत्तर प्रदेश में भी है, यहाँ पर भी है। तो लगातार एक से एक अच्छे स्टेप हमने लिए हैं, उनका उतना प्रचार और प्रसार नहीं हो पा रहा है। अब आप बताइए, जीएसटी को लागू करने वाले हम 5वें राज्य बन चुके हैं। इतना ही नहीं, हम 60 जगहों पर हमारी सरकार उसके प्रदर्शन भी कर रही है और उसके सेमिनार भी लगा रही है जीएसटी के बारे में, उसकी बुकलेट छपा दी, उसकी कैसेट बना दी, जन जन तक पहुंचा दी। तो हम तो बहुत तेज़ गति से काम कर रहे हैं, जबकि कई स्टेट्स ऐसे हैं अभी तक वो जीएसटी का बिल भी पास नहीं कर पाए। तो इसका मतलब हम दूसरे स्टेट्स को ये कह दें कि जीएसटी का बिल पास नहीं किया, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। सर, एक सवाल ये है मेरा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार लगातार आरोप लगाती रही कि केंद्र की तरफ से बजट नहीं मिल रहा है, और अब जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुई उनका साफ तौर पर आरोप है कि अब केंद्र जिस तरीके से बजट दे रहा है और रेलवे कनेक्टिविटी जो जोड़ी जा रही है चारधाम यात्रा को लेकर, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि भेदभाव केंद्र सरकार कर रही थी। कहीं से कहीं भेदभाव नहीं था। केंद्र ने 16,000 करोड़ रुपए कांग्रेस के ज़माने में ही रिलीज कर दिए थे चुनाव से पहले, जो कर्णप्रयाग तक रेल जानी थी। आज अब चार धाम को जोड़ने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए दिया है, विस्तारीकरण के लिए दिया है, तो क्या कांग्रेस को ये अच्छा नहीं लग रहा है? उनके ज़माने में जो दिया वो तो वन भूमि के पेपर ही तैयार नहीं कर पाए, उन्होंने तो दबाना चाहा, बताया ही नहीं कई दिनों तक कि रेल विभाग से इतना इतना पैसा आ गया है। अब ठीक है, वो कहते नहीं थे जो केंद्र सरकार देती थी, आज वो दिखाई दे रहा है,
हमारी सरकार है, एक जैसी सरकारें हैं, जो दे रही है वो बता रही हैं। उन्होंने तो जो दिया भी था वो दबा दिया था। सर आखिरी सवाल, सर 2019 के चुनाव भी बेहद नज़दीक हैं, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ, क्या तैयारियाँ उत्तराखंड की शुरू हो गई हैं और क्या लक्ष्य रहेगा? नहीं, पूरी तैयारी है, हमारी सरकार रात दिन काम कर रही है और 2019 में फिर से हम पांचों सीटों को जीतेंगे। मोदी जी के नाम पर आज पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व विश्वास करता है। राजनीति में अगर विश्वसनीयता किसी ने बनाई है तो सिर्फ मोदी जी ने, आज जबरदस्त तरीके से उनकी सरकार ने बनाई है, जो कहा वो किया। इसलिए 2019 में कोई हमको तकलीफ़ नहीं है, हमारे बूथ बारहमासी काम करने लगे हैं, छह जो कार्यक्रम दिए हैं बूथ उस समय ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मंडल सक्रिय हैं, जिले सक्रिय हैं, हमारे शक्ति केंद्र सक्रिय हैं, हम शांति काल में भी इस समय अभ्यास कर रहे हैं, हमारे विभिन्न अभ्यास वर्ग इस समय चल रहे हैं, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के अभ्यास चल रहे हैं, इसलिए इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। क्या लगता है ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी भाजपा? हाँ बिल्कुल, ऐतिहासिक जीत भाजपा हासिल करेगी। भट्ट जी, एपीएन से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट, जिन्होंने बताया कि यूपी में योगी सरकार और त्रिवेंद्र सरकार दोनों ही बेहतरीन काम कर रही है और सन 2019 में भाजपा फिर एक बार ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। कैमरामैन दीपक जेटली के साथ शैली लाठे, एपीएन धरा।